गुड मॉर्निंग डियर। हिंदुस्तान संपादकीय से डिक्टेशन समय शुरू हो रही है थोड़ी देर में। स्टार्ट। तकनीक शब्दों, प्रतीकों और संकेतों के अर्थ बदल देती है। यूरोपीय भाषाओं का एक संकेतिक अक्षर है #। परंपरागत रूप से इसे संख्याओं से जोड़कर पेश किया जाता था, इसलिए इसे नंबर साइन भी कहा जाता था। लेकिन सूचना तकनीक ने जैसे ही इसे सर्च इंजन की सहूलियत वाली एक निशानी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, इसकी तो किस्मत ही बदल गई। सोशल मीडिया पर आने के बाद इसका उपयोग बेतहाशा बढ़ गया। ट्विटर और फेसबुक पर ये #, किसी भी विषय की मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी यदि आप #, उद्धव ठाकरे पर पोस्ट करते हैं, तो आपकी पोस्ट इस #, की बाकी सारी पोस्ट के साथ दिख जाएगी। वैसे आप चाहे तो #, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर #, अजीत पवार पर भी। जितनी तरह की राजनीतिक धाराएं संभव हैं, सबका #, बन जाता है। अनगिनत लोगों की कोशिश रहती है कि वे अपनी पोस्ट #, के साथ ही पेश करें। इससे वे इस विषय की मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं, उनकी बातों को पढ़े व देखे जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। सभी यही करते हैं, पर क्या सब #, को गंभीरता से भी लेते हैं? पिछले दिनों कोलंबिया जर्नलिज्म रिव्यू ने इसे परखने की कोशिश की तो काफ़ी दिलचस्प नतीजे मिले। पत्रिका ने इसके लिए दुनिया भर में खासे प्रचारित #, MeToo का इस्तेमाल किया। यह बहुत चर्चित #, उच्च पदस्थ पुरुषों द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित था। महिला उत्पीड़न से जुड़ी एक ही खबर पहले #, के साथ और बाद में बिना #, के पोस्ट की गई। यह पाया गया कि बिना #, वाली पोस्ट से तो खबर खूब पढ़ी गई, पर दूसरी खबर नज़रअंदाज हो गई। वैसे इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि #, में पोस्ट की इतनी बाढ़ आ जाती है कि किसी मूल खबर को पढ़ने के लोगों की उत्सुकता कम हो जाती है। अगली बार जो खबर चुनी गई वह एक सर्वेक्षण की थी, जिसमें पाया गया कि 81% महिलाओं और 43% पुरुषों को लैंगिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा। नतीजे इस बार भी यही थे, मगर इस बार इन पोस्ट पर की गई टिप्पणियों को भी दर्ज किया गया। पाया गया कि #, पर की गई टिप्पणियां या तो आक्रामक थी या फिर बहुत नकारात्मक। जैसे एक टिप्पणी थी कि आपकी बात सही हो सकती है, पर यह सब अब बहुत हो गया। इसके विपरीत बिना #, वाली पोस्ट में टिप्पणियां अपेक्षाकृत संयत थी। वैसे सोशल मीडिया पर #, एक बड़ी भूमिका निभाता है। वह हर एक को किसी भी विमर्श की मुख्य धारा से जुड़ने के मौका देता है। साथ ही यह संभावना भी बनती
है कि उसकी पोस्ट पूरी तरह नज़रअंदाज न हो जाए। हैशटैग ने कई मुद्दों और आंदोलनों को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि नया विस्तार भी दिया है, मगर इसी के साथ का एक दूसरा सच यह भी है कि हैशटैग सोशल मीडिया पर एक भेड़ चाल को भी जन्म देता है। किसी भी भेड़ चाल की एक खासियत यह होती है कि यह लोगों को गंभीरता से सोचने, समझने और गहरे अध्ययन से रोकती है। जैसे किसी भेड़ चाल से लोग एक समय बाद उब जाते हैं, वही हैशटैग से भी होता है। यह साबित करता है कि सोशल मीडिया विमर्श को विस्तार देने का माध्यम भले ही हो, यह गंभीर मनन का विकल्प नहीं है।